हेलो, नमस्ते, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे लहसुनी पालक खिचड़ी। लहसुनी पालक खिचड़ी बनाने के लिए हाफ कप मूंग दाल और 1 कप चावल को मैंने आधा घंटे के लिए भिगा दिया है। उसके बाद एक गड्डी पालक को अच्छे से साफ करके धो के रख लिया। अब हम लगभग 1 लीटर पानी गर्म करेंगे, उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। पानी गर्म होने के बाद उसमें हम पालक को ऐड कर देंगे। 4-5 सेकेंड के लिए गर्म करेंगे, उसके बाद ठंडा पानी में डाल देंगे। फिर ठंडा पानी से निकाल के मिक्सी जार में डाल लेंगे। साथ ही साथ डाल देंगे 2 हरी मिर्च, 4-5 लहसुन की कलियां। सबको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद दाल चावल को अच्छे से धुल के कुकर में ऐड कर देंगे। उसके बाद 2 ग्लास पानी ऐड कर देंगे, साथ ही साथ स्वाद अनुसार नमक और हल्दी भी ऐड कर देंगे। कुकर का ढक्कन बंद करके 1 व्हिसल आने तक इंतजार करेंगे। अब खिचड़ी हमारा बन चुका है। अब हम कढ़ाई में 1 स्पून देसी घी गरम करेंगे। घी गरम होने के बाद ऐड करेंगे 1/2 स्पून जीरा, 1/2 स्पून हींग, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। थोड़ी देर फ्राई करेंगे। उसके बाद हम ऐड कर देंगे 2 लाल मिर्च। उसके बाद हम ऐड करेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज। थोड़ी देर प्याज को फ्राई करने के बाद हम ऐड कर देंगे 1 बारीक बड़ा कटा हुआ टमाटर। हल्का सा फ्राई करेंगे। अब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे हल्दी। धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद ऐड करेंगे नमक। स्वाद अनुसार नमक ऐड करना है। उसके बाद हल्का सा फ्राई करके फिर हम ऐड करेंगे 1/4 कप पानी। पानी हम इसलिए ऐड करेंगे ताकि मसाला और अदरक लहसुन सब कुछ अच्छे से पक जाए। अब ये पक चुका है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे पालक पेस्ट। अब हम पालक पेस्ट को 4 से 5 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। अब ये पक चुका है तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे बना के रखा हुआ खिचड़ी। अब 1 मिनट तक पकाएंगे। अगर ज़रूरत है तो आप यहाँ पे पानी ऐड कर सकते हैं, गर्म पानी यूज़ कीजिएगा। अब हम इसको दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में 1 चम्मच घी गरम करेंगे। घी गरम होने के बाद ऐड कर देंगे 1/4 स्पून हींग और 4-5 कटा हुआ लहसुन। साथ ही साथ आप 2 साबुत लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे स्किप कर रखा है। उसके बाद हम ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, ये आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। अब हम खिचड़ी के ऊपर फैला देंगे। ये हमारा बनके रेडी हो गया।
लहसुनी पालक खिचड़ी। कैसे लगा रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।